नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और इंडियन होम डीआईवाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हल्दी की सब्जी और वो भी फटाफट और बहुत कम मसाले से। टेस्ट कैसा लगेगा? ऑलमोस्ट सूखे आलू जैसा। आप मन चाहे चटपटी तरीके से इसे बना सकते हैं, लेकिन हड्डियों के लिए या सर्दियों में ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए कि कच्ची हल्दी। इस समय कच्ची हल्दी थोड़ी पीली और हल्की सफ़ेद रंग पे आ रही है, यानी इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसमें जो सब्जी हम बना रहे हैं, इसके अंदर आपको बहुत गहरी हल्दी नहीं चाहिए। ये जो हल्का रंग लिए हुए हल्दी है ना, वो ही चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हल्दी गहरी होती जाती है उतनी ज़्यादा वो कड़वी होती जाती है। और जितनी ज़्यादा इस तरह से सफ़ेद आपको मिलेगी या हल्के पीले रंग पर मिलेगी, उतनी ये मीठी होती है। जी हाँ, कच्ची हल्दी आप खा के देखिएगा, आपको मीठी लगेगी। छील लीजिए। छील के छोटे टुकड़ों में काट लें, आप अपने मनपसंद आकार में काटिए और अच्छे से धो के पानी निकाल लीजिए। आपके पास सब्जी बनाने के लिए दो विकल्प हैं, एक तो देसी घी और दूसरा सरसों का तेल। एक बर्तन ले लें और उसमें डाल दीजिए सरसों का तेल। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैंने यहाँ पे ली है 1 किलो हल्दी और 1 किलो हल्दी के हिसाब से अब इसमें हम सारा सामान डालेंगे। पानी धो के निथार लीजिए और आपको चाहिए तकरीबन 20 साबुत खड़ी हुई लाल मिर्चें। इन्हें मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, ये कश्मीरी हैं। आप चाहें तो मिर्च कम कर सकते हैं या अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल है और उसमें मैंने डाल दी 1 बड़ी चम्मच जीरे की। आप राई डालना अवॉइड कीजिएगा अगर आप दवा के लिए इस सब्जी को खा रहे हैं। इसमें हम डाल देंगे हल्दी और साथ में जो हमने तोड़ी हुई हैं वो साबुत लाल मिर्चें। लाल मिर्चें जब आप खरीद के लाएँ तो एक बार धो के उन्हें धूप में सुखा दें, ताकि उनमें जो मिट्टी वो हमेशा के लिए साफ़ हो जाए। अब इसे इस तरह से चला दें और इसे हम थोड़ी सी देर ढक के पकाएंगे। जो हल्दी है वो पकने में थोड़ा समय लेगी, यानी जो नॉर्मल जो हमारी सब्जियां पकने में समय लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेगी। अब इसमें हम डाल देंगे जो गुलाबी नमक है, मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट लिया है। हल्दी की सब्जी दरअसल हड्डियों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गठिया बाई के लिए, खून साफ करने के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस में सिस्ट हो, इनके लिए बहुत अच्छी है, लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसे में फिर आप जो नॉर्मल सफ़ेद नमक है वो कृपया करके ना डालें, वो उल्टा नुकसान करता है। तो आप इसमें डालेगा गुलाबी नमक और इसे ढक के पका लीजिए। मध्यम आंच पे जब आप इसे पकाएंगे, बीच बीच में चला के चेक कर लीजिएगा, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट पकने में लेगी। और जब आप नोटिस करें कि हल्दी पक गई, यानी आसानी से टूटने लगी, मैं थोड़ा क्रिस्पी और चाट जैसा बना रही हूँ, तो बस इसके अंदर आपको डाल देना है, अगर आपको पसंद है तो, लाल मिर्च पाउडर, अन्यथा ये सब्जी बन गई है। हरा धनिया आपको नहीं डालनी है, हरी कोई चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि हम इसे फ्रिज में नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही कम से कम 3 से 4 दिन स्टोर करेंगे। आपको लगेगा कि भाई खाने में स्वाद कैसा है, खा के तो देखिए और फिर कमेंट करेगा कि खाने में स्वाद कैसा है। क्योंकि जब मैंने मिर्च का हलवा डाला था तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन जिन जिन लोगों ने बनाया उन्होंने कहा बहुत अच्छा। और यकीन मानिए, ये सब्जी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी है। बस आप हल्दी खरीदते समय ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पकी हुई ना लें, स्वाद बेहतरीन है। और मैं जल्दी हल्दी का अचार आपके लिए लेके आऊँगी। उम्मीद है कि आपको हल्दी की सब्ज़ी पसंद आई होगी और आपके स्वास्थ्य में ज़रूर फायदा करेगी। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे, स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।